そう。So गवर्नमेंट चाहे भारत, भारत, भारत सरकार सब उनका बढ़िया सब बढ़िया 200 के छल्किना प्रोत्साहन राशि लेकिन तयो वो हर जगह नहीं जाय छल्किना ओइ के पाछा त त्याग छन उनकर एकटा जॉब क क अपन एक एकटा अलग छवि एकटा पवित्रता के संग एकटा निर्मलता के संग जे कह सके छी जे एकटा बहुत बहुत मुश्किल बहुत कठिन छे शारदा सिन्हा जी के पद चिन्ह पर चल कुन ही एक दो पाँच शब्द से हूँ अंतिम श्रद्धांजलि दें फिर सब बातचीत के संपन्न कर जगदम्बा घर में दियरा बार जग तारन घर में दियरा बार हेलो है जग दंबा घर में दियरा छठ पूजा के समय छे और इस समय में अमूमन हमरा सब सगरे घाट पर शारदा सिन्हा जी मधुरगर आवाज में छठ के गीत हमरा सब सुनते आबि रहलूं और परंपरा के आगा बढ़ पूनम मिश्र हमरा सब रोमांचित समय में हर्षोल्लासित समय में छठ के गीत के लिए सके सकूँ लेकिन दुर्भाग्य के बात पद्मभूषण शारदा सिन्हा मिथिला के दुल्ली बेटी हमरा सबक सोझा नहीं पूरा देश दुनिया संगीत जगत से लाई कर्णप्रिय आवाज़ के केोटे सुननिहारे सब गोटे मरमाह और हमरा हमारा जे जा एक विधास हर पहचान जनमानस में और समय में आबिक अगर हर प्राणांत हो तो जे शायद दिनकर बेर प्रत्यक्ष रूप से हर आवाज़ में गीत सुनवासी ललायत हेता शारदा जी के परंपरा के लोक कंठ में छिड़िए जी हमरा संगे और हिंकर जो संस्मरण गायकी से लॉ शारदा जी के संग जे हिंकर व्यक्तिगत संबंध रहा एखन तक के यात्रा में एक दूसरा के जे तरहें से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहभागिता बनल् अ तमाम विषय पर बातचीत करब हि गीत हुनका श्रद्धांजलि हमरा सब कोशिश कर स्वागत करवा दिन छै नहीं छे। सब हमारा मरमाहत और एक आवाज़ के बिना छठि पूजा रहल नहीं भन तक के रहले रहा है वो आवाज़ प्रत्यक्ष रूप से से बंद आई हालांकि कलाकार अमर रहे छे। उनका रचना अमर रहे गायक या एहन तरहक सामाजिक तो कहियो मरै नै नहीं ई शरीर जरूर छूटि जा तो शारदा जी नहीं और उनका श्रद्धांजलि स्वरूप कह सबसे सब पहले तो हम अपन गुरु माँ जिनका हम चार वर्ष से जहिया ज्ञान नहीं चल। तहिया से अपन गुरु माइन हर एक एक गीत के सुना तब सुन लेकिन एक कलाकार के नाते हम सब खासक हम बहुत ज़्यादा सुने सुनने आई हमर गुरु माँ हमरा सबके बीच नहीं लेकिन वो कहो एत नहीं जा सकते हैं सबसे सब पहले तो उनका कोटि कोटि नमन जे अपन बच्चा सब पर ओ अपन दया दृष्टि बने रहत और छठ माता उनका अपन शरण में स्थान दिलखिन आई छठ के दिन जखन शुरू भेल नहा खै के दिन तखन ओ विदा ले ली एत तो ऐसा बड़का प्रमाण की भ सक हर खासकर एक जे आवाज में निर्मलता निश्चलता ओ रोम रोम जना लगे जखन हर कतो का कात में बाजे बाजे गीत तो सिहर जाए चले एक रोम रोम तो ऐसा बड़का प्रमाण की भ जे लता माँ के माँ शारदे बजलखिन सरस्वती पूजा के भसान दिन और छठ में मिथिला कोकिला पद्म श्रीमती पद्मभूषण श्रीमती शारदा सिन्हा जी विदाई ली छठ मैया के शरण में दिनकर दीनानाथ के एहन असीम कृपा जो भेलन जखन से खासकर न्यूज प्राप्त भेल बिल्कुल, बिल्कुल अलग हालात में चूंकि हुनकर जे खासकर एक टा कलाकार के लिए तो बहुत बड़का अपूर्णीय क्षति है सब गोटे के लिए अपूर्णीय क्षति जकर शायद भरपाई भेनाई बहुत मुश्किल है बिल्कुल सही आ, कहलन है जे लता जी के भारत रत्न अगर स्वर्गों के लिए लता मंगेशकर जी के बात करी तो हर जे प्राणान्त हो या फिर पद्मभूषण शारदा सिन्हा जी के बड़ा बढ़िया संबंध स्थापित कलन दोनों के दुनू विधास और चिरकाल तक जहिया तक सृष्टि रहते जहिया तक छठ के गीत बजते जहिया तक छठि पूजा हुई रहते जहिया तक लोक रहते विवाह दान रहते तहिया तक चिरकाल तक शारदा जी मित दुलड़ी बेटी अना जी से पुष्पित पल्वित हर आवाज़ होत क्या नहीं उनके कुनो रचना से उनका श्रद्धांजलि दे फिर हमरा सब आगम पड़ी दिखियो भले ही हम सब सिखलो उनका सुइन का सिखलो उनका सन कहियो ने गैप सके छी कहियो ने गैप सके छी बस कोशिश मात्र को सके छी जे हुनकर जे बनायल डेग छन ओई पर हम सब चली चौल। कि शारदा सिन्हा जी बननाय बहुत बड़का बात है हा श्रद्धांजलि देनाय हमरा सबके बस के बात नहीं है जखन छठ मैया साक्षात एलखि है और हा लिन है जना माँ जानकी एत से विदा भी की कह सके छे निश्चित निश्चित रूप से सक कह सके छे और बहुत सुंदर चीज अहाँ कहलिए दोनों अनमोल रत्न के जे छे दोनों स्वर कोकिला के जे तरह हर अंतिम समय के अहाँ जोड़ल है बहुत कि हम चाहब जो कि हम पता नहीं बहुत इंटरव्यू करे हम बहुत सहज रहें लेकिन आई बड़ा सहज भ रहा है तो चाहब जो कि दू शब्द हाँ

John jaan... मिथिला के बेटी बाबा के भवनमा में सूतल छली और कहार आयल और ओ चल दिली हमरा सब के छोइर। हम मन हमरा सब कुनो चीज के समापन मैथिल समदौन से करे छ लेकिन आई हमरा सब बातचीत के शुरुआत समदौन से कलो है तो एकर की मायने भ सक से अपने सब बुझ सक पूनम नैनिये टा से है से श्रद्धा जी के गीत गाबि गए हमरा लगे जे हुनका बाद के जे इठुनका जे कलाकार सब रहले थे तीन करो आदर्श छलखिन है और खास कर लोक गायकी के जे लोक सब छे से सब पहिल भेट घाट कहिया भेले हुनका संग पहिल भेट घाट भेल छल मुंबई में जखन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन छल मुंबई में बिरार में और हमारे पहले भेंट घाट हम होटल में रही और वो होटल से निकल लिए और ग्रीन रूम में बैसल उनका लेल अलग से बनायेल एक और हमारा सब के ले अलग से हमर तो, तो सब पहले जखन नहीं भेंट भे रह एहन रह जे कनी देखती है कत रह केहन कनी मतलब एक टा अलग जिज्ञासा और ताहू में देख लेने रही रहिए जे एत आब वाली तो कार्यक्रम के जखन बातचीत हमरा सब के भेल ताहू क्रम में आयोजक गण कहल जे शारदा सिन्हा जी आ, शार से हो रहते हैं तो हमर और ध्यान छला कार्यक्रम पर तो हम सब गेलों तो जखन पहुंच हम कनिक लेट पहुँचल चूँकि हमारे वहीं समय में बउआ बहुत छोट आयोजक सब एना हमारा बजाब छे जे जखन आहा के समय एत तखन के हम कॉल क दे और आहा चल आये तो सब कलाकार लगभग भेट कला क चुकल छ तुंचलो एक हमारे गायक कलकार जे आई अम्हर उम्हर कतौ नहीं क्या कि हम जन अंतजार तक रहा और किनका देख रहा हूँ चीज़ वो कत्ता छते हैं। आसीदे हम हर चल जाओ। हम बुझ के लिए और हम तुरंत गेलों। जी ना छे ना जी एक टा की कहीं जी एक बच्चा अपन मैं के लिए दौड़ जाये छे जी आह कत्ता छते हैं। तो तुरत जाकर हम मिलों घोड़ लगलियन और बतेलिया जी हम पूनम नाम सब पूनम मिश्रा स जाने छैत संयोगवश ओहो समय में हुनकर पतिदेव जोता बैसल रहथिन और वंदना जी हुनकर सुपुत्री से होत बैसल रहथिन तो हुनकर पतिदेव जी कहै छथिन कि आहा के गीत त हम बहुतै सुने तो हम हमकेले आहा सुने छी तो हम हमरा एक एकटा अलग लागल वो जखन कहल कि त हमरा बल कहै एहन त नै जे संगे मजाक करै छै हमकेले अपने सुने छी गीत हां सुने थी। के अचारी जय शिवशंकर भोलेदानी उजरल घर में यह अहां बसबी तो सुनती प्योर मैथिली अच्छा और हमरा घर में तो है हमरा बहुत खुशी भेल उनका सब गुटी के प्रणाम के कल बातचीत गल लागल को देर तक बातचीत भेल हम सब पहिल बेर फोटो तो वोटो तो घिंचलो तो जे और खूब कहल आशीर्वाद दिया गाबी तो बहुत किहन एहन, एहन। जिना कैटा गीत के हन भले जे बतेले जे ऐके जे एना लेत हक त कनी ई एना सुंदर लेकता और ई एना गीत हक हत था। त तो लागे जे ना जे की हम अगर और नजदीक में रहतो हम और कुछ सिखने रहतो इनका सा त तो शायद बहुत की सीख सके चलो हां लेकिन संयोग है हम हु हर अपन अलग दुनिया ई कार्यक्रम सब पूरा मिथला में नौकरी बच्चा परिवार सबटा के चक्कर में बहुत ज्यादा समय जो कहब हांगे बीतेना से तो हम नहीं बिता सकल मतलब जत गीत सुनलो ते मुताबिक हम हा करीब होते नहीं पेलो। ओ रह पैलो लेकिन वो एक तरह बा फिर बेर, -बेर मिलल और बहुत किछ सीख के मौका भेटल सीखब जे बात कहलन है कहीं एना भेत एना भेत मतलब एक परफेक्शन हमरा दून गोटा के बहुत आत्मीय संबंध छल बेर बेर बात भेना भेंट भेनाई बेर बेर इंटरव्यू केनाए त ई चीज हमरा एक अलग जोनर के प्रेम भेटे छला ई कहना है जे ललित हमारा एक नहीं दूटा बेटा है और बहुत निक लगे हम हजारों इंटरव्यू अपना लाइफ में दिलिए लेकिन अहा के जे इंटरव्यू से हर जीवन के सबसे सुंदर इंटरव्यू में से एक इंटरव्यू अ कोट हम शारदा सिन्हा जी के बात कही रहा और कोनो चीज के तह तहमें जो निक बने वाला केना और बढ़िया से इम्प्रोवाइजेशन ज कलाकारी के शब्द में कह ची में क्य बढ़िया के गुंजाइश है अ तमाम चीज़ में डूब के गई और जते काल तक में रहना है, सिर्फ वह में रहना है। अच्छा एक ता चीज़ एक ता कलाकार के कखनों काल ई का होर जो परम्परा है अ परम्परा जो ट्रेडमार्क भगे तै चीज़ के लगे के दोसर गोटे आगा बढ़ और लोक गायकी के जहाँ तक बात है पैलो कहां जन आब छठ के समय में शारदा सिन्हा जी के बाद बहुत गोटे बजे एहन बात नहीं है सिर्फ पूनमेटा बजे लेकिन अ रूप में पूनम बजे घाट पर जे हमरा जे, जे जे जिनका गुरु माँ कह प्रसाद के छै आगे गुरु शिष्य परंपरा के ला आगा निर्वहन फिलंको मन में तरहक ई सब चीज में जेना हम गेलिए जगदम्बा घर में दियरा और और बहुत रास गीतर गायलो हम तो पूरा कम्प्लीट एल्बम गेने गायल गीत के और हा बुझल रहन लेकिन एहन तरह हमरा नहीं लागल कहियो जे इसब, इसब सब गलिए बिल्कुल अलग छा तैंत शारदा सिन्हा जीख तैं तो वो शारदा सिन्हा जी छा और साधारण नहीं शारदा सिन्हा जी बनना हमरा ले मतलब छोट मोह पैग बात बात भ जाए लेकिन शारदा सिन्हा जी बनना इतने आसान नहीं है सिर्फ गीत टा बढ़िया गाई लेना बड़का बात नहीं है व्यक्तित्व बढ़िया त्याग कहिया के गीत तक चल रहा है हर छठिक के टा गीत कहिया कह कतेक साल पूर्व के कि बीच में पचास टा सौ टा पाँच सौ नहीं गाय सोशल मीडिया के जमाना है वो तो पटना में स्टूडियो सब हमेशा अवेलेबल या बहुत तो ही बहुते सके छलखिन लेकिन अपना आप के हम केना लोग के समक्ष प्रस्तुत करिए प्रस्तुत करिए चाहे कार्यक्रम में हो चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे जिन्ना सब जगह जगह धरल्ले नहीं पहुँच गलं अपना आपके एगो रिजर्व रखल तो बहुत खोज वाला अगर वो साल भर में कार्यक्रम कर डेट नहीं भेटते लोग तक जहिया दो महीना पहले तक हमरा डाल जे डेट नहीं भेटते ततेक हमरा लोग सब कॉल 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 का पूछे था जे आई में हमरा मन है या उनका बचाव के, कनी बचाव नहीं दे दे कनी संपर्क नहीं करा दे लेकिन उनकर जे एक टा बोन्डल चलना जे हमरा चाहे वो व्यक्तिगत कार्यक्रम हो चाहे वो मेला वाला कार्यक्रम हो चाहे किहन तो एहन हाँ सब कार्यक्रम जो उनकर बहुत छके पाछा त्याग छ जखन कि बिहार गवर्नमेंट चाहे भारत, भारत सरकार उनका बढ़िया सब हा बढ़िया बढ़िया दल प्रोत्साहन राशि लेकिन तैयोग हर जगह नहीं जाके पाछा तो त्याग छा जॉब क अपन एक, ता, एक ता अलग छवि एक पवित्रता के संग एक निर्मलता के संग जे सकता बहुत बहुत मुश्किल बहुत कठिन छे शारदा सिन्हा जी के पद चिन्ह पर चलना हमरा नज़र में शारदा सिन्हा जी के गीत के बिना छठ पूरा नहीं सके बात जखन देखियो एक चीज़ कही जहिया जे, जे हुनकर निधन भा अर्थात जे अरबा अरबाइन जकरा नहाय है अपना कहै छै नौ साल पूर्व कल के डेट में जे छै से हम उनका इंटरव्यू अपलोड कने रही हैं। और जे जह वेंटिलेटर पर गल चार तारीख के डेट में हम सब इंटरव्यू के राज्यसभा टीवी से इंटरव्यू दलै रह दिल्ली के अशोक होटल के में हमारा बातचीत ओहो टाइम में एक चीज़ कहने रही या फिर जनमानस के आम बात है बिना शारदा सिन्हा के आवाज़ के बिना हुनकर शारदा जी के बिना हम सब छठ पूरा नहीं बुझ सकब के गीत के मध्य एक तो छोट स श्रद्धांजलि सोना साट छ संसार से घुमईचा संसा बाट में अखने बात जे शारदा सिन्हा बनब बहुत सहज नहीं है और वास्तव में शारदा सिन्हा बनब बहुत सहज नहीं कारण जे हुनका लग शूज अपॉर्चुनिटी छ जत जे मंच के कहते हैं और बेर बेर बेरबेर सबके कत फोन अब हर संपर्क सूत्र दिया पहुँच सक के बातचीत जगह तक पहुँचा सक शारदा सिन्हा जी अपना आप केना महान बनाकर रखल लेकिन युवा पीढ़ी बाद वाला जो लोग सब तब के हमें सीखा चाहिए वो तो एक माइल स्टोन एक मिलक पाथर सेट लक्ष्मण रेखा हम खींच हम बस एत तक छी के भीतर छी मुदा जखन आब सब संगे सदेह नहीं तो हमरा सबके खास का कलाकार जगत के जे लोग हैं तब के युवा पीढ़ी के युवा तोड़ के की हूकसा क्यों सीखा चाहिए नव पीढ़ी के बात रहले रहा नव पीढ़ी के पहले कहालो सिर्फ गीत गाई लेना है, बड़का बात नहीं है अपना आपके संजम के साथ रखना कत कत जाय कैब कि बजब कि नहीं बजब एखन कि दिन में बजलो कि रात में बजि दिलंछ सोशल मीडिया पर कोनो चेहरा सोशल मीडिया से बाहर कोनो चेहरा लेकिन हुनका सब में से छलन एक रूपता छलन एक रूपता सिंगल कैरेक्टर जे कह सकती साक्षात सरस्वती पुत्री में भ सकती संगीत साधिका है सब छमें नहीं भगे छे और सब से सबसे ते द्वारे अलग छे बिल्कुल अलग छा और तैं अपन घर के एहन माहौल जे अं अंशुमन भैया से बात करू वंदना दीदी से बात करू तो अँ के एक अलग लागत अलग संस्कार लागत तो, तो हे वाला सब जखन हम सब एक कतो हम पढ़ने रही है जे अहा की अहा की, की से अहा के गायकी से जरूर झलकत अहा की से अहा के गायकी में ओ जरूर कतो ने कतो और झलकत रहत जे में ई संस्कार हेतः तो उनका में तो साक्षात हर गायकी से हर संस्कार झलक की और परिवार के प्राय सब आदमी से हम जुड़ल छी और सब में अगर हाँ वंदना जी से बात करे चाहिए अनुष्मन जी से बात करे चाहिए तो सब में वह है बला टोन हाँ के हाँ एक बंद क का, का अगर सुन मैं तो मैं लगा जब बिल्कुल शारदा जी के जो छह सही में चीज पर मतलब आवाज प्रवेश सब में वह है संस्कार वह है लय जो छह से लायतमक जो है सबक बात विचार चिंतन सब में वह है दोनों में से धिया पुता में से किनको में ही हम प्राय बहुत करीब से एक दशक से जनला के बाद ही हम नहीं कतो लागल शारदा सिन्हा बच्चा थी। से दोनों में से किनको गोटा नहीं मतलब एहन अहम वाला भाव जे कि जखन कि मैं इतने पैग सक्सेसफुल से भारतीय स्तर के स्टार जे जगह पर जा जगह पर हा सम्मान पहले से तैयार रहे और तखन अपनों में एहन तरह को अहंग नहीं एनाइर पुता के संयमित बनाकर रखना ये बिल्कुल सब के से हो बिल्कुल लगे जनाब पता नहीं अं नोटिस केने हेबे कि नहीं जे कतौ नहीं लागल छन आगामे में कतो भी कोनो एल्बम कोनो पोस्टर पर नहीं लागल जे हम हमरा ई सम्मान भेटल ये चाहे सब चीज के जिक्र बिल्कुल, 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 कतो बिल्कुल, ने एखन तक की नहीं नहीं पद्मश्री नहीं पद्मभूषण किछ ने किछ ने त ई कत्ते बड़का बात छै कत्ते बड़का सीख लेबा के बात छै हमरा सब के किछ कनिक भेटैया तुरत लाग जाय छै चाहे बाल बच्चा सब में भ छै हमर एना लेकिन हर बच्चा सबके कते गर्व होते अंदर से आई जखन वो चलि गल तैयोग होते अरे माँ के लिए पूरा देश का रहली। पूरा विश्व का हमारे माँ एहन छा वो बेटी हमरा लगे हम हर कार्यक्रम के नोटिस करती रहिए हमेशा बेटी संगे बेटा संगे छथिन संगे की बेटी के दिक्कत नहीं हो कनी सोच के देखियो कनी सोच के देखियो व्यवहारिक जीवन में हुनको अपन परिवार छन तो हा कत कतो त जरूर मैनेज कर माँ संगे लेकिन तैयार न माँ के गरिमा जो माँ के एगो रुतबा वो पूरा हर रुतबा से पहुंच हो अगर कतो हुनका जाए के ई परिवार के एक एक सदस्य के और कर हुनकर पतिदेव जी के बारे में से ओ सुनने बहुत किछ जाय में संघर्ष थे तो कैसेट के दुकान सब पर जाकर हमरा तो कैसेट के दुकान बला सब रहे थे दरभंगा सबके सब 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 भेलिए जे जा समय में हुनकर कैसेट तई समय में ओ कहथिन अरे अ नहीं ने नहीं हमरा दो दें कतेक बड़का संघर्ष हुनकर जे कदम भेलन वही समय में हमरा बुझाइ नारी के घर से निकलनाइ कत बड़का मुश्किल बारे। के बात तक वो तो बहुत बड़का कदम तो हुनका में कनी चले लग जे आ, कनी दोसरो भाषा से चललखीन तथल के नहीं छे, लेकिन नहीं भाषा कोई ओय स कोनो मतलब नहीं छे लेकिन पहले हाँ, पहले अपना समय छले जे नारी के नहीं गबेल जाय ई हमरो सामना करो पड़ले छ जे हम अपने सब जे पिछला इंटरव्यू के रहे हो इमेज से हो के नहीं छी आ आप तो बनल बनैल छे प्लेटफार्म ओई पर आओ दुटा जेहने तहने गीत सीख लियो और गायब क निकल जाओ यह छे लेकिन नहीं हमरा सबके आय हुनका विदाई द रहल छिन त तो हुनका सब बहुत किछ सिखवाक चाही बहुत किछ सिखवाक चाही ओ इने जे हम उपदेश द रहल छी हमरा सब गोटे के सिखवाक चाही निश्ण, 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 निश्ण। बिल्कुल हमरा सब गोटे के सिखवाक चाही और कतेक संघर्ष कर परल छेन जे एकटा गीत गाब दलखिन त कतेक दिन जे छै से सांस रुकबे निकलखिन मुंह फुला के बैस गेलखिन और बड़ा गौरवान्वित भर्व से पतिदेव हमरा संग दल ते हम आगा बढ़ल और बिल्कुल रात रातिक जखन सब सुख वही समय में जे समय में कहाँ दोन हिंदा रोकल जान हूँ सुनल हम अ विषय में नहीं बातचीत है लेकिन सुनल बात कह रहल छी जे जखन हुनका रियाज ला रोकल जान जखन सब रहथिन सुन गेट बंद क्यों हारमोनियम पर रियज करे बिल्कुल देखियो आदमी सफलता मुदा मुदाई सफलता के पाछा की संघर्ष छे ई असली जे छे, से असली तत्व जे कोनो आदमी के सफल हेबा से पहले कोन कोन तरह जगह से वो आदमी गुजरल तो हमरा सब अंत में हुनके ही एक दो पाँच शब्द से हमका अंतिम श्रद्धांजलि दैत फिर सब बातचीत के सम्पन्न कर

कपूरक बाती कांचन थार कपूरक बाती मैया के आरती उतार एलो है हामा। मैया के आरती उतार घर में दियरा बार ऐमी है जग तारणी घर में दियरा बार अल है जग दम्बा घर में दियरा मिथिला कोकिला मिथिल बेटी आई हमरा सबके छोड़ के चल गई लेकिन उनकर गायल गीत एक, एक टा गीत उनकर संगीत हमरा सब लग सब दिन अमर रहत और लोक गायिकी में हम अपन आदर्श माने माने छलियन मानी रहबन और रहटि कोटि नमन छठी मैया परम पिता परमेश्वर उनका अपन निज शरण में स्थान देथिन हम यह करे छी बेटी शारदा के दीप प्रत्येक जगदम्बा के घर में अहिना चाल तक दैदिव्यमान होते प्रज्ज्वलित रहते अहिना जरित रहते और दीप के टेमी में तेल जैसे से के आवाज़ सब दिन छे से तेल तेल टेमी के कज रहते हैं जगदम्बा जी से प्रसन्न होठ मैया दिनकर दीनानाथ जतेक बेर हमरा सबक मध्य अबत रहता वह सब हर आवाज से प्रफुल्लित होत रहता आनंदित होत रहता कोनो एक विधा जखन एक जनमानस में चल जाए छे तखन वो पूजा के रूप लऽ छे तते शारदा जी के आवाज एक पूजा भऽ गेल हमरा सबक लेल एक संस्कार भऽ गेल जखन हमरा सब निन्नपन में छलहुँ हँ तखन ट गाड़ी पर जा ट गाड़ी के हमरा सब नहीं छलिए लेकिन उम्मीद हमरा सब हर केतबा रहे टयर गाड़ी पर कोनो हॉर्न बान्हल हेते और में राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयोजी से बाबा लेने, लेने हमरो अपन, तो मतलब अपन नगरी से तो मतलब बाबा लेनेगरी तखन कि अपनास विधा लगे और भोलेनाथ उनका शरण में लेथिन यह हम कामना करें कारण वह एक, एक चीज़ सुनने माँ जगदम्बा के छठ मैया के बाबा भोलेनाथ के हर गीत एक एक टा गीत के तेन प्रस्तुत जो साक्षात भोलेनाथ जेना उगना रूप में आ गलखर त गीत सुनल आब हेथिन और तै छठ मैया लिदा तो जरूर हम भोलेनाथ हुनकर जे सुनल गीत है और यह गीत के वो कहने हमरो अपन नगरी बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी आपन नगरियो जारे खंडाद गरी बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी आंगना बाहारब बाबा घर बाबा अंगना बाहर बाबा घर बाबा बाबार और बाहार के दे हरी बाबा और बहाारब आ दे हरी बाबा लेने चलियो हमरो अपना नगरी दानी लेने चलियो हमरो अपना नगरी बाबा सा यह अनुनय विनय जे मिथिला के आवाज के दीर्घ काल तक या सब दिन तक अपना श्री चरण में स्थान दक अहिना मिथिला के आशीर्वादित करती रहती और एहने शारदा सन बेटी जे छे से सुकंठ लठान जन्म लेत रह और मिथिला मैथिली के गौरवान्वित करती रह बेर बेर हमरा सब भीजल आँख से तीतल पूरा संपूर्ण मिथिला मिरर परिवार पूरा मिथिला के दिशा पूनम जी के दिशा सब के दिशा करवद्ध जे छे से दीदी के प्रणाम करेत मातस्वरूपी दुलड़ी बेटी के प्रणाम कर भगवती सेतबा कामना हा सदगति भेटान और बेर बेर जे जैसे से हाँ सुनिक आह्लादित हो रही बहुत बहुत शत सत नमन विनम्र के संग पुनः मिथिला कोई दुलरी बेटी के प्रणाम पूजा का दूसरा दिन है जो खरना कहलाता है खरना का महाप्रसाद लाए आपके जीवन में आस्था की मिठास टफकौन परिवार की ओर से खरना की हार्दिक शुभकामनाएं